कार्य कौन नहीं रोक सकता। और आप जैसे कह रहे हैं कि एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, क्या मार का जवाब मार होगा आने वाले दिनों में? क्या आप मैसेज देंगे अपने पार्टी के लोगों को? नहीं देखिए, ये लोकतांत्रिक पद्धति में हम इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तभी तक देश भर में लोगों को पता चला है कि यहाँ क्या हो रही है। अभी तक हम उसी स्थिति में उसी रास्ते में जा रहे हैं और ये आंदोलन फिर एक बार नवान्न तक पहुंचेगा। यहाँ तक हमने तय किया है, आगे क्या होगा? अगर लगातार हिंसा रहेगा तो हमको जीने का अधिकार है, उसका जवाब उस समय क्या किस ढंग से देंगे हम उस समय तय करेंगे। मुर्शिदाबाद में जो मर्डर हुआ है उसमें परिवार वाले जो मर्डर हुए उनका फादर को गिरफ्तार किया गया? देखिए, उनका फादर ब्रदर सबको पुलिस उठाया है, रोज नए नए लोगों को पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है किसी को मालूम नहीं है। कहां से डायरी लाया गया है लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपना जो अयोग्यता है, पुलिस की नाकामियां हैं यहाँ, उसको दबाने के लिए इस तरह नाटक किया जा रहा है। लेकिन हम फिर भी इंतजार करेंगे कि सत्य सामने आएगा। हम प्रेसिडेंट और सेंट्रल होम मिनिस्टर के पास जाने वाले हैं, उनका समय मांगा है, जिस समय समय देंगे हमारा प्रतिनिधिमंडल जा करके बंगाल की सार्वजनिक स्थिति को उनके सामने बयान करेंगे। कह रहे हैं कि पारिवारिक हिंसा है, कोई बोलता है कि प्रेम का है, कोई बोलता है कि और कुछ है, उन लोगों के ज्योतिष जानते हैं क्या? यहाँ बैठे बैठे बोल देते हैं, पुलिस क्या कर रही है? हम तो चाह रहे हैं कि सत्य सामने आए, लोगों को सामने आज आने के लिए उनकी और हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए अनप सनप बोलकर लोगों को बहका रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसका खुलासा होना चाहिए। अभी समय है, उसका तय करेंगे। धन्यवाद।